हनुमान जी महाराज की, वाल्मीकि जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की। इससे पहले कि पूछे भाई साहब, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है, आप तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष भी है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री का दर्जा भी आपको प्राप्त है। मुझे लगता है कि ये एक साधारण बात शायद हो सकती है, परंतु जो असाधारण बात है वो ये है कि आप एक धर्म पुरुष है, आप एक धार्मिक कार्य करने वाले। अपने दो वर्ष से आपने झूठे छत्रों का त्याग करके, चरण पादुका का त्याग करके माँ नर्मदा जी की सेवा में आप लगे हुए हैं। आज सत्रह देशों की यात्रा पर आप नर्मदा जी के जन्म को लेकर जा रहे हैं, ये परम सौभाग्य है। आप इतने सरल व्यक्ति है, पूज्य महामंडलेश्वर श्रीमान वृंदावन जी, आदरणीय परम पूज्य वृंदावन जी महाराज जी के आग्रह पर, हमारे निवेदन पर आप हमेशा सामान्य जन की तरह चले आते हैं और हमारा मार्गदर्शन, मोटिवेशन और हमारा साथ बढ़ाते हैं। हमें प्रेरणा देते हैं कि यमुना जी के कार्य को इसी प्रकार से हम आगे करते रहे और मां नर्मदा जी के लिए भी हम कार्य करने की शुरुआत करें। ऐसे आदरणीय भाई साहब का जोरदार तालियां करके अभिनंदन और स्वागत। इससे पहले भाई साहब सोशल क्लास की बात करते, मैं बाकी जो कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में ये ज्येष्ठ पंडित भाई साहब और विश्व में हमारा जो संतवाणी चैनल है उसके माध्यम से पूरे विश्व में जा रहा है, और ना केवल संतवाणी चैनल अपितु हमारे अन्य मीडियाकर्मी, चाहे हमारी बहन मोहना बेगम जी हो, चाहे हमारे भाई संतोष झा हो, चाहे हमारे अन्य मीडियाकर्मी हो, आप सबका भी महाराष्ट्री सानिध्य प्रेम और ये संदेश देने का कार्य आप करते हैं। मैं एक बार महामंडलेश्वर जी महाराज से आग्रह करता हूँ सभी मीडियाकर्मियों का, आप एक बार आगे आ जाए कृपया जल्दी से, फिर भाई साहब की जी एक बार जल्दी जल्दी सभी मीडियाकर्मियों का एक बार जल्दी से, क्योंकि यात्रा लेट हो रही है, यात्रा के लिए आगे जाना है। भाई साहब अपनी बात रखेंगे, मनोज जी आप मीडियाकर्मियों का केशव जी जल्दी जल्दी कर रहे, केशव जी जल्दी जल्दी फटाफट आप जल्दी से हमारे सभी मीडिया के बंधुओं का, मनोज जी आप आगे जाकर स्वागत करें, कंचन जी पंकज भाई आप हमारे मीडियाकर्मियों का स्वागत कर रहे। अब मैं श्रीमान रविकरण साहू जी, आदरणीय मंत्री महोदय, हमारे अध्यक्ष और नर्मदा जी के बहुत बड़े साधक जी से आग्रह करता हूँ, संक्षिप्त बात रखते हुए माफी चाहूंगा भाई साहब, क्योंकि सब लोग आगे ना स्वागत के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। जी भाई साहब, जोरदार ताली बजा करके रविकरण साहू जी का जोरदार स्वागत। बोले नर्मदे हर, दुर्गा माता मंदिर में आज ये जो यात्रा है माँ नर्मदा कलश यात्रा जबलपुर से प्रारंभ होकर के यूरोप के लिए निकली हुई है। आज इस अवसर पर आप सभी साधुजन सभी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। यह यात्रा 108 देशों में जाएगी। माँ नर्मदा, माँ गंगा, माँ यमुना, हम सब नदी को माँ मानते हैं और हमारी संस्कृति है कि जो नदियों को हम माँ मानते हैं और जीवनदायिनी माँ नर्मदा अमरकंटक से निकल के खंबात की खाली तक जाती है, विश्व की एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा होती है, इसी नदी की परिक्रमा होती है और नदी का जल लेकर के हम सनातन के प्रचार के लिए, सनातन के जो हमारी संस्कृति है उसको लेकर के ये यात्रा जा रही है। आप सभी श्रद्धालुओं का अवसर मिला आपसे मिलने का, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ इस यात्रा में सभी शामिल हो और हमारे साधुजनों का आशीर्वाद मिला, सभी महामंडलेश्वर वृंदावन महाराज जी का उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। बहुत सुंदर आदरणीय भाई साहब ने संक्षिप्त में अपनी बात रखी। मैं जो कार्यकर्ता और निवेदन करूंगा, यदि संभव हो जैसे भाई साहब ने संकल्प किया है उतना बड़ा संकल्प तो हम नहीं कर सकते, पर 18 किलोमीटर की यात्रा है यहाँ से वाल्मीकि मंदिर तक, अगर संभव हो तो पैदल चले, तो पैदल तो चलेंगे, माफी चाहते हैं नंगे पैर चले, और अगर नंगे पैर नहीं चलना है तो, लेकिन हम तो नंगे पैर चलेंगे। दूसरा जो बाकी कार्यकर्ता है वो पूजा मसाला स्टोर की तरफ जाकर के ट्रैफिक को मैनेज करेंगे, आशीष जी, प्रमोद जी, संजीव जी, शर्मा जी, और भाई साहब के हाथ में
नर्मदा जी का जल रहेगा और अगर उनके महाराज के आदेश में तो मैं गंगा जी का जल और महाराज श्री देखिए कोई भी आगे पीछे ना करें व्यवस्था को बनाते रहते हैं। पूछे महाराज श्री आदरणीय भाई साहब आदरणीय पूछे वृंदावन जी महाराज जी आगे की ओर रहेंगे, बाकी हम सब उनके पीछे पीछे रहेंगे। सबसे आगे बैठ वाले जाएंगे सूर्य की व्यवस्था आइए वृंदावन जी महाराज जी आए वृंदावन जी महाराज जी आ गए सबसे आगे बैठ वाले रहेंगे फिर महाराज रहेगा उसके बाद उसके संत रहेंगे और साथ में बीच में भाई साहब रहेंगे नर्मदा जी का जल लेके और यमुना जी का जल लेके अनुवस्थ ले आए उनको महाराज जी हमारे बीच में वृंदावन से आए हैं आइए महामंडल जी आ रहे हैं आइए 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 नर्मदा को लेकर आए हैं उससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए होने के लिए नर्मदा मैया की यमुना महारानी की अगर यमुना जी को ले आए यमुना जी को ले गंगा जी को रखते ले आए गंगा जी का अभिनंदन सब कर ले महीनों का मिलन होगा प्रत्यक्ष प्यार हजार का स्वरूप गंगा जी प्रत्यक्ष भक्ति का स्वरूप गंगा जी और गंगा जी का स्वरूप नर्मदा जी का कवर नर्मदा जी का कवर इसके बाद गंगा जी जो मूर्ति है उनको महीनों का मिलन हो रहा है सबके पूरी है मिलन हो रहा है परिवर्तन होने वाला है आगे बोलो बिल्कुल बिल्कुल हाँ अंदर जी आप अंदर जी आ जाइए अंदर जी आइए ना प्लीज मनोज जी आओ अंदर चला जाओ फटाफट जाओ आइए अंदर जी आओ ना अंदर जी आइए भाई साहब का एक बार हमारे पंडित जी जोधपुर के काली मूर्ति आपने अच्छा हाँ लगा लो आई भाई बेटा है अरे रे रे आप महाराज जी के सुपुत्र हैं वही महाराज जी ऐसा और कौन माला दीजिए सब माला दीजिए हेलो थोड़ा मैं निवेदन करूंगा कि इसके बाद आप भारत में समय लेकर के कर रहे तो इसके विषय में भी हम निवेदन करेंगे कि आप परिचित हैं कि सारा प्रबंधन कहाँ पर से प्रारंभ हुआ है आज इतना सुंदर मंदिर वो पारा है इतना नर्मदा का तो गंगा जी का स्वरूप है और कपिल भाई यहीं से चतुर्भुजा है लेकिन मतलब जीवन लगा ही नहीं है और मजेदार एक मिनट अब यहीं से जिंदगी नहीं कर रहा नहीं होगा तो बात महाराज यमुना महारानी की यमुना मैया की नर्मदा मैया की कालका माई की और साचे दरबार की बालाजी महाराज की।